ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो वो नेहा जी के लिए, लवड़ीज वाली नेहा जी, उनके लिए उनका वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक लड़के को बहुत सारी उनको अच्छी अच्छी गालियां आती है, तो लवड़ीज ने उनको बहुत गालियां दी, नेहा जी ने बहुत गालियां दी। क्यों? क्योंकि वो लड़के ने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया। क्यों थप्पड़ मारा? क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उसने उसको चू बनाई, यानी और 5 जन के साथ थी वो, तो उसने उसको चू बनाई, तो चू बनाई तो उसने थप्पड़ मारा। तो क्या करता बताइए न्याय जी, क्या करता? वो फिनेल पीता, घासलेट पीता, सुसाइड करता या फांसी लेता, क्या करता? आप बोलती है वो लड़की की मर्जी, वो कुछ भी करे। कुछ भी कैसा करेगा, कैसा कर सकता है? हम भी प्यार करता है एक ही लड़की से, बस उसने धोखा दिया, खत्म। लड़की भी चाहती है कि लड़का उसके साथ उम्र भर रहे, उसको धोखा ना दे। लड़का भी यही चाहता है कि वो धोखा ना खाए, पर कुछ लड़के कुछ लड़कियां जैसा आप रखो ना, 150-200 मजा करो, मगर पूरे जनरेशन को मत बोलो, सब लड़कियों को मत बोलो कि वो जो करना चाहती है वो करे करके, ऐसा नहीं बोलना, बुरी बात है ना। आप बोलते इज्जत करो, आपने क्या किया वो लड़के के, रखो ना 150-200 मजा करो, मगर पूरे जनरेशन को मत बोलो, सब लड़कियों को मत बोलो कि वो जो करना चाहती है वो करे करके, ऐसा नहीं बोलना, बुरी बात है ना। आप बोलते इज्जत करो, आपने क्या किया, आप बोलते इज्जत करो, आपने क्या किया वो लड़के के साथ? मैं आप नहीं बैठ पाए ना, तो ये लोग है, ये पब्लिक है, सब जानती है, हाँ, तो लोगों की इज्जत करो, गालियां मत दो ऐसे शो में, मत दो, नहीं तो फिर से ये लोग आपको घर पे बिठा देंगे, हाँ। तो आपको लवड़ीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका शो बहुत अच्छा हो, सिर्फ ये गालियां विलियां मत दो आप, हाँ हाँ ना, हाँ। तो दोस्तों आपको भी बोलता हूं कि ऐसा किसी का सुन के, मेरी जो बहन बेटी है ऐसा कुछ सुन के आप वो दिमाग में नहीं डालना। मेरे दोस्तों को भी, भाइयों को भी बोलता हूं, ऐसा सुन के किसी का दिमाग में नहीं डालना, किसी से एक से प्यार करते तो एक ही से प्यार करना, हाँ, उसको धोखा नहीं देना, क्योंकि धोखा खाने के बाद बहुत तकलीफ होती है, हाँ। तो न्याय जी का इतना दिल पे मत लो, हाँ, अपना ख्याल रखिए, हाँ, इधर उधर मुंह नहीं मारने का, हाँ, एक से प्यार करते तो एक से ही प्यार करना, धोखा नहीं देना उनको, हाँ, ठीक है, चलो। जय न्याय जी का इतना दिल पे मत लो, हाँ, अपना ख्याल रखिए, हाँ, इधर उधर मुंह नहीं मारने का, हाँ, एक से प्यार करते तो एक से ही प्यार करना, धोखा नहीं देना उनको, हाँ, ठीक है, चलो। जय हिंद, ठीक है, चलो। जय हिंद।
कुछ नहीं ना. जय हिंद जय हिंद. पहली फुर्सत में राधे में आया. कुछ तो लोग कहेंगे मेरी जान, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना. अब ऐसा कोई सवाल मत पूछो, ये सब माइक वाइक एकदम उठा के लेके भाग जाऊंगा मैं अपने घर पे, ढूंढते रह जाओगे कहाँ गया. ऐसा कुछ नहीं है. सिद्धार्थ शुक्ला बिल्कुल विनर होने के लायक है और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी, बहुत ही एक बब्बर शेर नज़र आया और ये एक शेर बोल रहा है. उस शेर को अगर आपको ऐसा लगता है शुक्ला शुक्ला को सपोर्ट कर रहा है तो वैसे ही सही, बट मुझे बहुत अच्छा लगा. सिद्धार्थ शुक्ला में पूरी विनर की क्वालिटी थी, बहुत सारा कलर दिखाया उन्होंने कलर्स पे बिग बॉस में. सो आई थिंक ही टोटली डिजर्व टू बी द विनर ऑफ बिग बॉस 13 एंड देट इज, तो बड़ी खुशी की बात है. थैंक यू. हाँ मैंने पहला एपिसोड देखा था और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा. शहनाज बहुत अच्छी लग रही हैं और शहनाज के जो भाई हैं शहबाज वो बड़े अच्छे दोस्त हैं. बट ये शो ऐसा लग रहा है रेप्लिका है BB13 का और कलर्स और एंडमॉल से मेरी दरख्वास्त है कि वो आप बिग बॉस के उससे बाहर निकल जाओ और जितना खिंचता है ये शो देख लो कैसा खिंच सकता है, और उतना खिंचाओ ज़्यादा नहीं चलने वाला है, इसको नहीं देखने वाले हैं लोग. और शहनाज का बेचारी मुझे लगता है वो अभी शो के बाहर निकलती तो उसका करियर कहीं और अच्छी उड़ान पे जाता, लेकिन अभी कलर्स ने पकड़ के उसको एकदम नीचे फंसा दिया है. वो साफ नज़र आ रहा है शहनाज, तुम्हारी शक्ल में नज़र आ रहा है मोटा पैसा मिला है, वरना नहीं करती तुम ये शो भाई, ये शो नहीं करती शहनाज. शहनाज गिल को बेचारी अच्छी लड़की गांव से निकल के आई है, सक्सेसफुल हो गई, उसको मोटा पैसा दे दिया उन लोगों ने, तो पैसा आपको पता है बड़े बड़ों की ज़बान बंद कर देता है. तो बेचारी शहनाज जो है वो फंस गई है, वो बाहर उसका इरादा था फिल्में करेगी, ये करेगी वो करेगी, लेकिन अभी उसको कह दिया मुझसे शादी करोगे. ये पूरा बकवास शो है. और हाँ मैं एक और बोलना चाहता हूँ यार, वरना नहीं करती तुम ये शो भाई, ये शो नहीं करती शहनाज. शहनाज गिल को बेचारी अच्छी लड़की गांव से निकल के आई है, सक्सेसफुल हो गई, उसको मोटा पैसा दे दिया उन लोगों ने, तो पैसा आपको पता है बड़े बड़ों की ज़बान बंद कर देता है. तो बेचारी शहनाज जो है वो फंस गई है, वो बाहर उसका इरादा था फिल्में करेगी, ये करेगी वो करेगी, लेकिन अभी उसको कह दिया मुझसे शादी करोगे. ये पूरा बकवास शो है. और हाँ मैं एक और बोलना चाहता हूँ यार, ये पूरा बकवास शो है. और हाँ मैं एक और बोलना चाहता हूँ यार, जैसे और इंटरेस्टिंग बनाओ, नए नए लोगों को लेके आओ, बट ऐसे लोगों को मत लेके आओ कि ऐसा लगे कि सिर्फ फालतूगिरी हो रही है. अभी और भी लोग आ रहे हैं, लंबी भीड़ है. थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें. हर हर महादेव. भोले की फौज करेगी मौज. हंस बहुत रही हैं ये ज़्यादा, इनसे मैं बाद में पूछूंगा क्यों हंस रही हैं. हंसा कुछ ऐसा लगा है क्या, कुछ ऐसा एक आँख छोटी बड़ी तो नहीं लग रही है, सोया नहीं रात में शूट कर रहा था इसलिए. चलो ओके मेरी जान, लव यू. और आप लोगों के प्यार का पानी इसको बढ़ता रहने दो. कोई चीज कोई बात नहीं, कोई तो मैं नहीं कर पाऊँगा इस बारे में, बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी बात है. पर फर्स्टली थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगता है काम की तरह ना मिले क्या बताए साल के बोले बच्चे मुंबई आए हैं और आप लोगों के प्यार का पानी इसको बढ़ता रहने दो. कोई चीज कोई बात नहीं, कोई तो मैं नहीं कर पाऊँगा इस बारे में, बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी बात है. पर बहुत चेंजेस आए हैं. अगर आप मुझे अपने बारे में पूछ रहे हो तो आपको नोटिस करना पड़ेगा, बट या फीलिंग गुड एंड हैविंग अ ग्रेट फीलिंग इज ऑलवेज
ये मोमेंट ही बहुत बेस्ट हो जाता है. बट या आई हैड लिटिल हेजिटेशन बिकॉज 4.5 महीने इज नॉट लेस एंड द जर्नी वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर मी. सो वेन आई सी लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी आई गेट लिटिल मैं थोड़ा हेजिटेंट हो जाती हूँ. बट थैंक्स टू आई एम सराउंडेड बाई गुड पीपल नाउ. सो या वेरी हैप्पी नाउ. That's a public review. Then public review must have told you who should be the winner, who has to be the winner, and who won. So who am I to question someone's winning? So I think that's a very stupid question to ask. Sorry. अच्छी बात है अगर वो जीते हैं और उन्होंने कुछ कहा होगा तभी मैंने चाय फेंका होगा और वो मूवमेंट ठीक हो चुका है हमारे बीच में. सो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दैट. अभी अगर वो यहाँ होते तो आपको पता चल जाता. आई जस्ट वॉन्ट टू विश देम द बेस्ट फ्यूचर एंड आई होप उन्हें उनका मन चाहा साथी मिल जाए शो में से.